ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਸਾਈਡ ਆ ਪੱਥਰ ਉੱਟ ਕੀ ਮੈਂ ਲਕਸਨ ਸੀ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ अजमताबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ अचानक ही सुबह 9:20 पर तकरीबन आग अचानक ही नमूदार हुई। मोहम्मद फरीद व मोहम्मद शबीर पिसरार मोहम्मद अख्तर जिनका ये मकान था और एक हमारे मौलाना साहब का डेरा भी इसके बीच में था। तीन फैमिलीज जो थी वो इस मकान के अंदर रह रही थी। जिनका जो जायदाद थी वो सोने की सूरत में, जेवर की सूरत में, चांदी की सूरत में, जितने कपड़े थे, बिस्तरे थे और जो कुछ भी था, बर्तन थे, सब कुछ जो था, खाने पीने का जो मटेरियल था, सब नेस्त नाबूद हो गया, खाकस्तर हो गया है। लेकिन हमारी बरादरी के हम बहुत ही मशहूर हैं जिन्होंने जो ही आग नमूदार हुई, धुआं नमूदार हुआ तो बरादरी अचानक ही बरादरी जिस आदमी ने देखा वो जहाँ जहाँ उसने सुना या देखा वो दौड़ कर यहाँ आए। उन्होंने बहुत मदद की है इस मकान आग बुझाने में। लेकिन आग तो उन्होंने बुझाई, दूसरे मकानों दूसरे जो मोहल्ला के मकान थे वो उन्होंने बुझाए हैं, लेकिन उस मकान को बचा नहीं सके क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी तो वो नहीं बचा सके उसको। ये तीन फैमिलीज जो वहाँ रह रही थी ये नहायत ही गरीब हैं, नहायत ही गवर्नमेंट से अकाम से हमारा एक गुजारिश है, यहाँ अगर थन्ना मंडी हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो इस वक्त 2 घंटे हो चुके हैं, दो घंटों से वक्त हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो यहाँ नहीं पहुँची है, यहाँ हमारी को उन्होंने मदद नहीं की है। तो हमारी मांग है पुरजोर हुकूमत से, डीसी साहब से, तहसीलदार थन्ना मंडी से, SHO साहब थन्ना मंडी से, DSP थन्ना मंडी से हमारी अपील है कि ये इस गाड़ी को यहाँ थन्ना मंडी में डिटेन करें,